खेला भाई बोल रहे हैं, मैं पहले खेलता था खोखो और अब खोखो में खेलता हूँ। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, रैंडम नेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप सबके सामने गाने के गाने के रिएक्शन लेके गाने के रिव्यू लेके, अगर आप थंबनेल देख के आप बिल्कुल सही जगह है। हम यहाँ पर रियल हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं, मतलब अंडररेटेड आर्टिस्ट को। बड़े भी जो हम यहाँ पे करना करने जा रहे हैं वो है एक स्टैंड अप कॉमेडियन का, जो कि मेरा भाई है मुनव्वर फारूकी। तो भाई का गाना है ख्वाहिशें, जो कि उस टाइम पहले ही आया, यानी कि ज़्यादा देर नहीं हुई आए हुए, कुछ घंटे हुए हैं कल आया था इसका मतलब। बाय द वे गाना मुनव्वर फारूकी बहुत प्यारे लिरिक्स लिखते हैं, मतलब लिटरली जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो इसमें बयान कर रखी होंगी, या फिर जो ख्वाहिश करते होंगे वो चीज़ बयान कर रखी होगी। और मेरा भाई बहुत डैम बंदा है, लिटरली रैप बहुत प्यार करता है, लिखावट इसकी बहुत प्यारी है। तो इनकी सॉरी इसकी नहीं इनकी, डोंट फॉरगेट टू गिव रिस्पेक्ट, मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बाय द वे अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो तुम लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर मुनव्वर फारूकी के ऑलरेडी दो गाने में कर चुका हूँ, और कोई सा करना हो तो बता देना। और मैंने शेयर कर रखा तुम्हारे सामने, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता यार, आई डोंट नो वाई। मैं बिना किसी और ज़्यादा की ख्वाहिशें गाना शुरू करने वाला हूँ। ख्वाहिश ही, हाँ ख्वाहिश ही मुनव्वर फारूक का। अगर चैनल पर नए हो तो तुम्हें प्यार देना मत भूलना बस, और रेड बटन को प्यार दे दो। और मैं देख रहा था पीछे की अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, ऐसे देखते हैं। ठीक है तो शुरू करते हैं, देखते हैं मेरा भाई नागपाड़ा का राइडर मुनव्वर फारूकी की ख्वाहिश है। इश ख्वाहिश ए वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन यार, रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। आंखें लाल अब काली रात हो जाएगी, दर्द लिखने बैठू शायरी हो जाएगी। जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है उतनी दूर इनकी सोच भी नहीं जाएगी, मुझे गिराने की फिराक में ये बैठे हैं। रुक जाओ एक सेकंड। तो भाई ने जैसे कि स्टार्टिंग वाली लाइन में बोला ना कि जो मेरी आंखें लाल हैं अब रात हो जाएगी, आंखें लाल मेरी अब काली रात हो जाएगी। मतलब भाई भाई ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या कह रहे हो कह लो कि रात भर जाग के मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए ना रात का पता लग रहा है ना दिन का। बट जो मेहनत करता है सही से तो इस लेवल पे आगे खड़ा हो जाता है, तो भाई ने वो प्रूव कर रखा है। तो यहाँ मेहनत की बात हो रही है इस लाइन में, रात हो जाएगी, दर्द लिखने बैठू शायरी हो जाएगी। हर किसी का सीन है ये, वो जब अपने दर्द बयान करना शुरू करता है तो वो शायरीज लिख देता है। सो मेरे भाई वही बोल रहे हैं, दर्द इतने हैं सोच लो वो शायरी बन जाएगी, तुम्हारे को वो शायरी लगेगी एक नॉर्मल, पर वो दर्द है। जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है उतनी दूर इनकी सोच भी नहीं जाएगी, तुम मेरी सोच को कैच ही नहीं कर सकते, समझ गए ना तुम लोग। जितनी दूर मेरी बात जाएगी उतनी दूर इनकी सोच ही नहीं जाएगी, समझ रहे हो। मुझे गिराने की फिराक में ये बैठे हैं, रैपर सिराने चिराग लिए बैठे हैं। ये मुझे गिराने बैठे हैं पर रैपर सिराने चिराग लिए बैठे हैं, यानी मेरी किस्मत है रैपर, मेरा रैपर है तू चिराग लिए बैठे हैं। पूछते हैं मैंने देखा क्या है जिंदगी में, मैंने जन्नत के जनाजे उठते देखे, मेरे हमदर्द मुझ पे दर्द जुल्म करे। मैंने खुशी में पूछते हैं मुझसे मैंने क्या देखा है, मैंने यहाँ पर खुशियों के जनाजे उठते देखे, मतलब यहाँ पर मैंने जन्नत के जनाजे उठते देखे हैं, यानी कि मान लो कि या फिर खुशियाँ कह सकते हो, या फिर उन लोगों को कह रहे हैं भाई कि जो लोग बहुत अच्छे थे, या फिर अपनी खुशी को मान लो मैंने उनके भी जनाजे उठते देखे। देखो तुम खुद देखो शायरी लिख रखी है मेरे भाई ने, और फिर बोल रहे हैं मेरा हमदर्द मुझ पर दर्द जुल्म करे, मेरा हमदर्द जो मेरा साथी है वो मुझ पर जुल्म करे, या फिर जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझ पर ही जुल्म करता है। लाइक मेरे हमदर्द मुझ पे दर्द जुल्म करे, दुआ खुदा से उनके दर्जों को बुलंद करे। दुआ है खुदा से कि जो उनका आज औहदा है दर्जा है उसको ऊपर कर दे, और ऊपर जाए, वो लोग नीचे ना हो वो लोग ऊपर ही जाए। सिकंदर जैसे कि कब्र का ठिकाना नहीं, बंदे मिट्टी के किस बात का घमंड करे, खाने से ज्यादा नमक जख्मों पे था, यकीन गैरों पे शक अपनों पे था, खुश हुआ जब देखा लौटते इकबाल को। जो गैर थे मेरे को उनके ऊपर ज्यादा यकीन था अपनों से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा साथ दिया होगा, सो दैट्स व्हाई। यकीन गैरों पे शक अपनों पे था, खुश हुआ जब देखा लौटते इकबाल को, नहीं वो लौटा नहीं मैं सपनों में था, तरबियत पे मेरी ये सवाल कर रहे हैं, मेरे उरूज पे दुआएं सवाल कर रहे हैं। यार पता है मेरा मेरे को ना ज्यादा अच्छे से उर्दू नहीं आती, पर उरूज और फिर उसके बाद बोल रहे हैं उरूज पे दुआएं सवाल कर रहे हैं। I don't know,
मेरा उरूज, मेरा तर्ज, आई डोंट आई थिंक आई नो, मैं बोल नहीं सकता इस पे कुछ. डूब जाती थी कश्ती मेरी कागज की, आज कागज भी मेरे कमाल का. प्रोड्यूसर का कॉल आ रहा है. घर में भूला माँ के हाथ के बहन देती फिर भी सद के अपने भाई के. दोस्त कहते मैं तो यारों का भी यार हूँ, और लड़के बैठा मैं खुद अपने भाई से. मैं गैरत हूँ, मैं अपनी माँ के हाथ का टेस्ट भूल गया. एंड मैं अपनी बहन से, मतलब बहन से भी काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई, पर मेरी बहन मेरे आज भी मेरे लिए सदके निकालती है. मेरे यार कहते हैं कि मैं यारों का यार हूँ, पर मैं खुद अपने भाई से लड़के बैठा हूँ. डैम मैन, मेरे को गूज बम्स और आंसू एक साथ आए, मैं तो पता नहीं क्यों. का भी यार हूँ, और लड़के बैठा मैं खुद अपने भाई से. मंजिल पे थी मौत में डरता कैसे, 1200 की जॉब कर्ज अदा करता कैसे. मैं जोकर जैसा हंसता था तकलीफ में भी, मेरे अंदर का ये अदाकार मरता कैसे. हे आर्टिस्ट कैसे मर जाता. मैं 1200 की जॉब करता था, मैं अपने कर्जे कैसे चुकाता, मैं जोकर की तरह हंसता था, तो जब मौत अपने दर्जे पे थी तो मैं मरता कैसे, मैं मरता कैसे. मेरे अंदर का ये और ये अदाकार नहीं मर सकता, क्योंकि अदाकार जिंदा रखने के लिए तो यही तो है. भाई की आंखों में ऐसा लग रहा ना आंसू है. मरता कैसे, मेरा जिक्र बंद करो, मैं कोई आयत नहीं हूँ दुनिया पर भी, मैं खुद वफा के लायक नहीं हूँ. सवाल चलेंगे तो हाथ इनके कांपेंगे, टिकट मेरा है, मैं एक दिन वाला नायक नहीं हूँ. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुन रहे हो, ये टिकट मेरा है, ये टिकट मेरा है, और मैं एक दिन वाला नायक नहीं हूँ. समझ रहे हो तुम, नायक पिक्चर देखी है तुमने, वही एक दिन का नायक. टिकट मेरा है, मैं एक दिन वाला नायक नहीं हूँ. इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा के कितनों का सहारा बन गया हूँ. फैक्ट है, दिल पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ. नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा के कितनों का सहारा बन गया हूँ. टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ. अपने बचपन भाई क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो, टूटने पे इनकी ख्वाहिशें होंगी पूरी. जब मैं टूट, अगर मेरा टूटा तो इनकी ख्वाहिशें होंगी पूरी. लाइक इस तरीके की बात कही, समथिंग आई डोंट नो व्हाई कि मैं क्यों कह रहा हूँ, बट मुझे इस तरीके की बात लग रही है, मुझे लग रही है. ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ. अपने बचपन को मैं सिक्कों में ही तोल आया, अपनी राहतों को पीछे कहीं छोड़ आया. अपनी राहत पहचानता मैं नस्ल कैसे, गया फूल लेने कांटे सारे तोड़ लाया. मैं शेर, ये सारे मुझको शायर कहते. मैं तो हूँ राग, ये फिर भी मुझको फायर कहते. फिकर में जनता कहती भाई साहब, पिछले लाइन में देख रहा हूँ, फ्लैक्स देखो यार थोड़ा. कैसे गया फूल लेने कांटे सारे तोड़ लाया. मैं शेर, ये सारे मुझको शायर कहते. मैं खुद शेर, मैं शेर, SHER शेर, या फिर शेर, मैं शेर, पर मुझको लोग शायर कहते. मैं तो हूँ राग, ये फिर भी मुझको फायर कहते. है भाई तुम, जनता कहती मर जाएगा तू, नहीं मरोगे. टाइम आया मुझको सब मुराद कहते. बिल्कुल कमल, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ. तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ. बिना वजह इनका जलना मुझ पे आम है. बिल्कुल हेटर्स तो है, चिल्लर जैसे बचते. खैर यानी खैरियत पूछते हैं मुझसे, ना मुझ पे आम है. खैर पूछते हैं जब कोई मुझसे काम है. चिल्लर जैसे बचते आसपास मेरे, ये इनकी बोलते रहते हैं चिल्लर बचते. बर्तन बेचे तो घर पे मेरे मील आया, वो बोले चोर जब खिलौना मैं छीन लाया. खेलता था खो भाई साहब, अपने बचपन की बात कर रहे हैं भाई, कि बर्तन बेचे जब जाके मेरे घर पे खाना आया. एंड वो मुझे चोर कहते हैं जब मैं खिलौना छीन लाया. मतलब समझ रहे हो कि मेरे पास खिलौने वाले, कोई खिलौने लाने वाले जितने पैसे नहीं थे. घर पे मेरे मील आया, वो बोले चोर जब खिलौना मैं छीन लाया. खेलता था खोखो, आज खोखो में खेलता हूँ. खेलता था खोखो, खोखो जिसने नहीं खेला उसकी बचपन की मेमोरीज बेकार है मेरा, ठीक है. खोखो जिसने नहीं खेला, भाई बोल रहे हैं मैं पहले खेलता था खोखो और अब खोखो में खेलता हूँ. खोखो, खोके, खोके, समझ रहे हो तुम, हाँ वही खोके. करोड़ की डील आया, आज आज खेलता हूँ. निकला कैद से करके लॉक करो, निकला कैद से आज लॉक करो की डील. सीढ़ी पे चढ़ा तो रोकने को सांपला, बिल्कुल दादागिरी नहीं जा अपना बापला. आज संगी है दो गलो पे आग लिख दो, सोहेल कहीं से जाके फायर प्रूफ बनने ला. देख मेरी सारे हक्के बाके रहते, सोहेल भाई को इसमें शॉट आउट है. आइडल मुझको हक से कहते, हंसा कर कितनों को आबाद किया है मैंने. ये बात मैं नहीं, ये बात मेरे व्यूज कहते. खुदा तूफान जो मिलियन सुनाई दे रहा था,
अकेला था, लगा लश्कर लेके आया था, लश्कर तूफान लेके आया मेरे भाई, लेगेसी कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा दे कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने ए मेरे भाई सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। तालियों से जब तक भर ना दूंगा तूफान, नहीं जब तक दूंगा स्टेडियम, कसम खुद की मैं मरने वाला नहीं हूँ फारूक मुनीरी। यार कुछ नहीं होगा तुमको, ब्रांड में वही भाई ने लिखा है कि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद भी। लिटरली यार दिस गाय वाज आल्सो अमेजिंग गाय यार, ये बहुत फैक्ट्सफुल चीज़ें लिखता है और जिसमें लोग खुद को रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखता है मेरे भाई। लिटरली बहुत मज़ा आता है मेरे को भाई के गाने सुनने में, हर बार जो एक भाई एक होप दिलाते ना अपने गानों में, लिटरली वो बहुत प्यारी है यार। मैंने भाई का लास्ट गाना सुना था, पहला उसका नाम भूल गया मैं, बट वो गाना बहुत डैम था। तो मैं चाहता हूँ तुम प्लीज़ जाकर उस गाने को ज़रूर सुनना, उसको मैं डाल दूंगा, उसको मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा, तुम तो वहाँ जाकर जरूर चेकआउट मारना। बाय द वे गाना बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत समझने लायक है, इसमें कुछ उर्दू के वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना तुमको यार, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, जाकर अभी चेकआउट मारना। बाकी मिलियन व्यू ऑफ व्यूज़ तो हो ही जाएंगे मुझे पता है, क्योंकि भाई के चैनल पे और 1.38 मिलियन है तो हो ही जाएंगे। तो बाय द वे मुझे भाई के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भाई का फ़ैन हूँ, चाहे स्टेट तो क्या कहते हैं, चाहे कॉमेडी में कह लो चाहे रैप में कह लो, मुझे ये बंदा बहुत सही लगता है यार। ख्वाहिश तो है मिलने की सबसे, जितने भी गानों पे रिएक्शन करता हूँ, बट कभी बोलता नहीं हूँ, आज बोल रहा हूँ कि ख्वाहिश है मिलने की सबसे। बाय द वे कुछ बोलने लायक नहीं है, भाई ने सब कुछ खुद बोल दिया, ठीक है। अगर तुम्हें सपोर्ट करना हो तो करना, वरना सबकी तरह तुम भी वीडियो देख के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @PrinceMacs, और फैक्टफुल चीज़ें सुननी हो तो प्लीज़ फॉलो द फॉलो अप द क्या बोलते हैं उसे, हाँ फारूक मुनीरी को फॉलो कर लो। बहुत कैंड बंदा भाई। और बस यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर बताना कैसे अच्छी लगी, कैसे बेकार लगी, कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अनदर वीडियो में, अब तक के लिए बस इतने, मिलते हैं किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ, अब तक के लिए बस इतने। सारे कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी।